हम सब लोग मिलके जा रहे हैं गार्डेश्वर डैम। देखेंगे इस बार चालू होगा नहीं चालू, डैम ओपन होगा नहीं होगा, उधर नहाएंगे, थोड़ी मजाक मस्ती करेंगे, फिर वापस आएंगे। आप लोगों को भी दिखाएंगे उधर क्या होता है क्या नहीं होता। तब तक के लिए वीडियो में बने रहो और ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों लोग के साथ। बहुत दिन बाद अपन मिल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अभी अभी लोग मेरे चाचा लोग नीचे आ गए। मेरे चाचा है, आई एम गुड, आई एम गुड। ये मेरे चाचा जो गाँव से है, इनको खास करके घुमाना इनको ही था। हम लोग तो जाते रहते नहीं कि हम लोग सोचे इनके चक्कर में हम भी चले जाते हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत अरसा हो गया नहीं गए। और एक चाचा और टिकटॉकर चाचा हमारे, देखो अभी तक इनको टिकटॉक का भूत चढ़ा है। हेलो भाई, इधर देखो ना, कैसे हो आप? यस आई एम फाइन। और देखो मोइन भाई भी चल रहे हैं इधर, हमारे मोइन भाई। अब जाके देखते हैं उधर कैसा होता है, क्या मजा आता है क्या नहीं मजा आता है। इतने लोग हैं, इधर गुटखा खा रहे हैं। ये सुधरो के नहीं। चलो भाई चलते अभी। So guys, अभी फाइनली मैं सैफ को लेने आया हूँ, और सैफ को भी हम लोग यहाँ से लेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे गार्डेश्वर डैम के लिए, ठीक है। ये देखो सैफ वहाँ खड़ा है। हाँ ये कर लो, यही कर लो, तुम जिंदगी में तुम्हारा यही है। So guys, अभी हम लोग सैफ को ले लिए हैं, सैफ हमारी गाड़ी चला रहे हैं, सैफ को रास्ता मालूम है गार्डेश्वर का, और हम निकल चुके हैं गार्डेश्वर के लिए। हमारे चाचा पीछे बैठे हैं, ये देखो चाचा का फेस। आज ये पूरा खाली रील बनाने वाला, रील आज मैं रील बनाऊंगा। मैं कंदीर के साथ मिलाया हूं। पहले गाड़ी को खाना खिलाना पड़ेगा भाई, खाना मतलब पानी पिला दे पहले, पेट्रोल लगा ले गाड़ी के अंदर, फिर हम जाएंगे निकलेंगे। और गाइस हम लोग पहले रुक चुके हैं गाड़ी को थोड़ा एनर्जी देने के लिए, पहले गाड़ी को एनर्जी देंगे उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा चढ़ाव का रास्ता होता है तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा। और सैफ भाई क्या हाल है आपके? मजे में? बहुत दिन बाद हमारे ब्लॉग में दिख रहे हो आप, कहाँ थे इतने दिन से? तुम ब्लॉग की तरह बना रही थी, मैंने स्नैक बोल दिया डायरेक्टली। तो हमारे पनवेल से कितना किलोमीटर है गार्डेश्वर डैम? अभी ये क्या है, ये इनका है टिकटॉकर का। गार्डेश्वर डैम हमारे पनवेल से कितना किलोमीटर है? तभी ये रहेगा 8-10 किलोमीटर है। 8-10 किलोमीटर। चलो भाई चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा देर में यहाँ रुक चुके हैं, थोड़ा किराने की दुकान में कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खाना खा के निकले नहीं थे तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं पीछे। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से खाएंगे थोड़ा, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर निकलते हैं। तो मैं भी चाय वाय पीऊँगा फिर आगे बढ़ेंगे और नहाएंगे मस्त आज मज़े में। तो गाइस अभी हम लोग खा पी के निकल चुके हैं, थोड़ा मैंने पान खा लिया था बहुत दिन बाद। अभी नहीं जाएंगे, अब जाएंगे गार्डेश्वर डैम भी जाएंगे। ड्राइवर चेंज मेरे अंदर कौन होता है। तो गाइस हम लोग फर्स्ट लोकेशन पे तो अपने आ गए हैं, पूरा भीग चुका बारिश की वजह से। मैं तो फर्स्ट लोकेशन पे हम लोग आ गए, जो फर्स्ट लोकेशन है छोटा डैम, डैम नहीं कुछ भी बोल सकता उसको, मैं तो डैम नहीं बोलता हूँ। चलो फर्स्ट लोकेशन आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये है हमारे यहाँ का, देखो आप लोग क्या ही बोलते हैं, छोटा डैम। पिछले बार जब मैं इधर आया था ना भाई, पूरा खाली था, पूरा खाली, बहुत सूखा हुआ था ये। अब देखो आप लोग जरा, पिछले बस के नीचे एक घंटा बैठे थे इसके अंदर। हाँ भाई जबरदस्त, ये देखो मस्ती चालू हो गई, झट चला मस्ती।
और मेरा कहता है यहाँ शुरू भी होगा रील बनाना, मतलब क्या ही बोले, जहाँ जाए बंदा लोग जाएगा ना उधर उधर ये रील बनाएगा। चलो भाई यहाँ तो हम लोग खाली जस्ट देखने आए थे एक नज़र, आप हम लोग यहाँ से दूसरे अपना मेन लोकेशन पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम लोग खाली जस्ट राउंड मारने आए थे कि देखने आए थे कैसा है, तो पिछले बार जब आए थे ना पूरा भर पूरा खाली था, पूरा खाली था। चलो भाई ये दोनों यहाँ पर भी शुरू हो गए, और जब हम लोग वहाँ गए थे दमन दमन में शुरू हो गए थे, लोग यहाँ पर भी शुरू हो गए जबरदस्त, मतलब तुम्हारी जिंदगी इसी में चल जाएगी। थोड़ा देर में यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे अपने मेन मेन लोकेशन पे और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। ये बढ़िया था, बहुत खुश है। गाइस इधर एक और सीन हो गया यार, क्या ही बोले, मतलब जब भी आए थे तब कुछ ना कुछ सीन हो ही जाता है। सामने पुलिस वाले खड़े, पुलिस वाले वहाँ जाने नहीं दे रहे, आगे दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो उधर पुलिस वाले खड़े हैं, पूरा इलाका बंदे जा करके जाने नहीं दे रहे। जो मेन स्पॉट उधर ही देखो, सब पहाड़ है पूरा, उधर फॉग कितने अच्छे लग रहे। अब हम लोग को इधर ही कुछ करना पड़ेगा, इधर ही नहाना पड़ेगा, इधर ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उधर तो लोग जाने नहीं दे रहे, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे जा रहे हैं वो लोग आगे से पकड़ रहे हैं लोग को, तो रिक्शा से जाना देखते हैं क्या नहीं है। सरकार उधर क्या लगाना चाहिए, ये बोला सरकार को इधर वाईफाई लगाना चाहिए, सब लोग इधर लहा ले आते, वीडियो बनाएंगे इधर बैठकर। कुछ भी जबरदस्त, मैं रिक्शा लेके जा रहा हूँ आगे, पुलिस वाला पकड़े तो पकड़े देख लेंगे, सभी यहाँ पर निकलते हैं। So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं एक छोटा सा स्पॉट से, मतलब वो जो मेन स्पॉट था ना उधर पूरा, मतलब पता चला कि इस बार नाकाबंदी लगा हुआ है तो उधर नहीं जा सकते हम लोग, हर बार में ऐसा ही होता है यार, मतलब क्या ही बोले, इतना हम लोग उधर लंबे से आए और पता चलता बाद में कि नहीं जा सकते उधर, बहुत अच्छा स्पॉट था लेकिन नसीब क्या ही कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस देखो अपने पीछे, हमारे पीछे दिख सकते हैं आपको, अभी यहाँ पर आए, अभी हम लोग थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे, वीडियो शूट करेंगे, फिर नहाएंगे, नहाने का पानी तो नहाएंगे, वरना फिर आगे जो हम लोग पीछे जहाँ पर रुके थे ना वहाँ पर जाके अपन मस्त नहाएंगे। ओके तो अभी हम लोग फाइनली इधर रुके हुए हैं, देख सकते हो आप लोग, जो मेन स्पॉट था हम लोग को जहाँ जाना था मेरे को वो यहाँ से जाना पड़ता, सीधा माची नाम है उसका, एकदम अच्छा स्पॉट से भाई कसम से, एक नंबर स्पॉट से। मैं जब अपने स्कूल लाइफ में, स्कूल जब पढ़ता था अपने कॉलेज टाइम में, तब उधर बंक करके मैं आया था एक बार उधर, तभी भी मैं उसका टॉप पे नहीं जा पाया था, मैं सोचा इस बार जा पाएंगे, लेकिन इस बार भी सीन हो गया, कोई ना ये थोड़ा बहुत देखेंगे वरना फिर अपन उधर जाके नहाएंगे। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग एक छोटा स्पॉट देख के, मैं सोचा यहाँ थोड़ा नहाएंगे, देखो पीछे मेरे स्पॉट से इधर, सोचो इधर नहाते हैं, देखते हैं यार इधर क्या मजा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यार सब जगह तो क्या ही बोले यार, पुलिस लोग ऐसा पीछे पड़े क्या ही बोले। और ये देखो मैं चाहता यहाँ पर पुशअप करके पंप करके रील बनाया जा रहा है, रील के 14 है ये लोग 14, हाँ इनकी बॉडी देखो इनकी। चलो गाइस अभी देखते हैं, और यहाँ हमारे भाई तो गाड़ी धुलने लगे, भाई कितना रुपए भाई गया गाड़ी का, गाइस आप देख सकते हैं रील्स के 14 पटक दे, क्या ही बोले भाई क्या ही बोले, जुलिया यहाँ से वहां जाने के लिए सुधरेंगे नहीं। मत मत, अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है दोनों में। अरे भाई
मेरा भी आएगा। मतलब साले पागल हो गया। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना तो भाई जिंदगी हो तो ऐसी हो जिंदा तो जान के बाल भी क्या ये बोले। मजा आ रहा है, मैं अपने आप लेके आ रहा था। जा सुबह जब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर तो कुछ ऐसा देखने नहीं मिला यार। मतलब क्या ही बोले, जब घूमने का मन हो और ऐसा सीन हो तो मतलब क्या ही बुरा लगता है मेरे को दिल से यार। इतना मन था नहाने मिलने का, लेकिन अच्छा हो ही नहीं पाया। इसको जो मैं चाचा गाँव से आया था, उसको मेन इसको घुमाना था मेरे को। क्या सॉरी यार, आपको घुमा नहीं पाया हम लोग, लेकिन इंजॉय थोड़ा यार बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर क्या छोटे से आप इंजॉय कर रहे हो? बहुत है यार, इतना बहुत इतना। अभी तुमको आगे लेके चलते, आगे कुछ स्पॉट्स मिलते हैं तो आगे अपन कुछ करते हैं, ठीक है? और क्या, चलो भाई आगे देखते हैं, इनके लिए कुछ तो करेंगे। क्योंकि यार साला मैंने खुद ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि अभी तुम जला बन गया होगा। और सर ये पुलिस वाले ना, पर उनकी भी कुछ गलती नहीं, वो भी हमारे सेफ्टी के लिए करते हैं। तो मैं यार कहाँ जा रहा था, अंदर जा रहे थे हम, तो नहा धो के बाहर ही आ रहे थे। कोई ना, चलते आगे, देखते आगे कुछ स्पॉट्स रहा तो नहाएंगे, वरना फिर घर पर जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग एक जा रहे थे सलमान खान के जब फार्म हाउस है उधर जा रहे थे, देखते तो जाएंगे नहीं जाएंगे। रास्ते पे तो हम पहुंच गए अपन लोग वादा जिसको बोलते हैं। अभी हम लोग बीच में पहले कुछ खाने के लिए रुके, बहुत भूख लगी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। थोड़ा बहुत नाश्ता किया था, खाना मेरा कुछ नहीं किया। अभी टाइम होगा 4:30, तो अभी हम लोग थोड़ा कुछ खाएंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे। सब नाश्ता करने बैठ गए, वड़ा पाव, पेटीज, क्या बोलते मिसल पाव, ये सब ले रहे खाने के लिए। खाते हैं, देखते हैं। चाचू मुंबई का कैसा लगा आपको पेटीज? जबरदस्त, सुपर। ये हमारे चाचा का पेटीज है, गांव वाला पेटीज है। थोड़ा सा हमको भी थोड़ा भूख लगी है। हां पेटीज का तीनों का बोतल है। ओ गाइस हमारा भी आ गया है मिसल पाव, मिसल पाव खाएंगे हम थोड़ा। पहले तुम शुरुआत कर लो। तो गाइस अभी हम लोग वादे जाने का प्लान कर दिए, जहाँ पर सलमान खान का फार्म हाउस भी है। फार्म हाउस के अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर इतना सारे विलास है, तो पूरा फार्म हाउस टाइप है आपको दिखाएंगे सलमान खान का फार्म हाउस दूर से, और फिर अंदर जाके वाटरफॉल में नहाएंगे। तक बने रहिए आप लोग, लगे रहे कि हम लोग बहुत, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ उधर लेके जाने के दिखाने के लिए। प्लान कैंसिल होने वाले थे, लेकिन तभी भी मैं मनाया सबको, और तो थोड़ा मौका। चलो भाई चलो। ये देखो भाई, एक गाड़ी में चार्जिंग खत्म हो गई भाई, तो ये देखो कहीं काम बैठा है। अब उधर देखो भाई, इधर देखो, इलेक्ट्रिक चार्जिंग खत्म हो चुकी है, कहीं तक लेके जा रहा है। देखो अब्बू कहीं कड़ी गई थी, तो बैठ जाएगी। अरे नहीं भाई, गाड़ी खराब हो जाएगी। नहीं खराब नहीं होगा गाइस, देख सकते हो पूरा चार्जिंग खत्म हो चुकी है। अभी टोचन देंगे हम लोग इससे, और अभी हम लोग लोकेशन पहुंचे भी, अभी घर पे भी जा रहे हैं, 10-15 किलोमीटर है। चल तू बैठो, बैठो आ बैठो ना। अबे ये तुम्हारी चल चल, अबे और आगे ले जो लगा क्या ऐसा, ये क्या हो गया? तू तो बैठने जा रहा क्या? हां हां बस बस, मेरा भाई तू बस हो गया, हट। अबे हट बे मोहित, बैठ इस पे फटाक से बैठ। मेरे को लगा था ये होने वाला है, होने तो आ रही है ये। सुबह में चार्जिंग नहीं लगा, मेरी क्या गलती यार। मालूम ही नहीं था कि लोग घूमने का प्लान कर रहे हैं, चार्जिंग करके रखता ना मैं। अब इतनी चार्जिंग थी कि मेरे को कल लगाने की जरूरत थी, मैं आज पूरा घूम लेता हूँ, शॉर्ट नियर और चले जाता नहीं। अब देखो अभी तो और 3-4 जगह चढ़ना है। यहाँ से बस कुछ 5 मिनट का और रास्ता है, उनकी साला क्या ही बताएगा इस। देखो वो लोग तो अभी क्या, उनकी इधर वो लोग तो बदनी पड़ गए, तो धक्का भी धक्का, एक दूसरे को धक्का देख के आ रहे यार। आजकल तो पूरा प्लान ही एकदम बेकार हो गया। ये गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने को आया है, समझो उधर वो बेचारे आ रहे, ये नहीं है किसी और के साथ बैठ के आ रहा क्या? आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा
क्या ही मोमेंट भाई, क्या ही मोमेंट, आप लोग देख सकते हो क्या ही मोमेंट। क्या ही ऐसा मोमेंट नहीं हुआ, मतलब वो मोमेंट की इतना बेकार नहीं हुआ, कैसे भी करना पड़ा एक बार मारा मोमेंट। और एक बात और बताओ, पेट्रोल भी खत्म होने को आया है, गाड़ी भी खड़ा भाई। देखो पेट्रोल भाई, मतलब लसी वैसा बनाया है ऊपर वाले ने कि घर दिया आज, और घूमोगे मगर भाई जाएंगे, जरूर जाएंगे। A few moments later. अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अर्पिता फार्म हाउस, जिसके सामान खरीद का फार्म हाउस है, जहाँ पर दिखा तौर को ये देखो अर्पिता फार्म हाउस, और ये देखो ये क्यों होता है हमारे साथ। यहाँ से जाना हम लोग अभी ऊपर, जहाँ नहाने के लिए बोलते हैं, अभी गाड़ी ये रोक देते हैं, तो मैं सोचो यहाँ चल के जाते हैं। वो रोक गया लॉल, वहाँ पर जाने नहीं, जैसे अंदर हम लोग गए वैसे सलमान खान के फार्म हाउस से एक बंदे ने आवाज़ दिया और बोला कि नहीं जाने का अंदर। क्या तो बात होती है यार, कहीं पर कुछ नहाने नहीं मिला, आज दिन ही पूरा बेकार था यार। तब हुआ ट्रैक के अंदर, मतलब अंदर बहुत ओपी जगह थी यार, बहुत ही मस्त जगह थी, लेकिन हर एक जगह पर ना लगी पड़ी है। चलो कोई बात नहीं, क्या अभी कहीं अच्छे से लोकेशन पर रोकेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन रील्स की 14 नहीं, क्या ही बोले यार। आप जा रहे घर पे भाई, आज नहीं हो पाया, हम लोग कुछ भी नहीं इंजॉयमेंट नहीं कर पाए, बट कोई ना, अगर हम लोग कल या कहीं पे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। शायद से मथुरा जाने का प्लान कर रहे हैं, तू उसका पेट्रोल क्यों वेस्ट कर रहे हैं। चलो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर दो, इस बार कहीं नहीं जा पाए। बॉडीगार्ड से लाठी मिली, लाठी नहीं मिली, मतलब वो सीधा भगा दिया इसने। We'll be right back.